हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे मिसकैरेज के बारे में, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिसकैरेज में जो लेडीज़ होती हैं, जिनको बार बार हो जाता है, और ये जो मिसकैरेज होता है प्रेगनेंसी पता चलने के 2 महीने के अंदर हो जाता है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो ऐसी लेडीज़ हैं उनकी प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी, और उसमें मैं मेडिसिन बताऊंगी कि कौन सी मेडिसिन लेना है लेडीज़ को। तो जो मिसकैरेज होता है इसके भी कई रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस से जो लेडीज़ होती हैं उनको मिसकैरेज हो जाता है। तो सबसे पहले जो लेडीज़ हैं उनको अपना रीजंस पता करना पड़ेगा कि किस रीजन से जो लेडीज़ हैं उनको मिसकैरेज हो रहा है। जब रीज़न पता चल जाएगा तो जो लेडीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट चलेगा, और उनका जो प्रेगनेंसी है वो नहीं रुक रही थी वो रुकने लगेगी। तो आप पहले रीज़न पता करिए। मैं कुछ रीजन्स बता देती हूँ, जैसे जो लेडीज़ होती हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो थायराइड के कारण क्या होता है कि उनके जो हार्मोन्स होते हैं इनबैलेंस होते हैं, इसके कारण भी मिसकैरेज हो जाता है। शुगर के कारण भी क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में जो लेडीज़ होती हैं जिनको शुगर बढ़ जाती है, जब शुगर बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जो लेडीज़ हैं उनको मिसकैरेज हो जाता है। ऐसी भी कुछ लेडीज़ होती हैं जिनकी बॉडी में खून की कमी होती है, बहुत ज़्यादा एनेमिक होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनको मिसकैरेज हो जाता है। तो मिसकैरेज जो होता है इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं मिसकैरेज होने के, तो ऐसा पर्टिकुलर अगर रीज़न पता चल जाए तो आपका सही ट्रीटमेंट हो सकता है। आप जो मेडिसिन मैं बताऊंगी आपको, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है मिसकैरेज से रिलेटेड, और जो मिसकैरेज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पहले आप रीज़न पता करिए, उसके बाद आप अपनी मिसकैरेज की जो मेडिसिन है वो लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको बार बार मिसकैरेज नहीं होगा, आपकी जो प्रेगनेंसी बार बार ख़राब हो जाती है वो नहीं होगी, आपको प्रेगनेंसी रुक सकेगी। तो मैं आपको जो मेडिसिन है वो बता देती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम को आपको ठीक करेगी। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको डिसीज़ नहीं है और आपका मिसकैरेज बार बार हो जा रहा है, तो उसके लिए मैं मेडिसिन बता रही हूँ। लेकिन ये जो मेडिसिन बता रही हूँ उसके पहले आप ये सिम्टम्स सुन लीजिए कि क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं और आपका मिसकैरेज हो जा रहा है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। जो लेडीज़ होंगी उनके पीठ में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पीठ से कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेट के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, यूट्रस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहेगी और पेन होगा, पेन के साथ बर्निंग होगी, ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। और जो फीमेल है उसको इसके कारण क्या होता है कि जो यूट्रस है बहुत ज़्यादा वीक होता है, स्वेलिंग रहती है, जिसके कारण जो फीमेल है उसको मिसकैरेज बार बार हो जाता है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो इसके लिए मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ। तो आप ये मेडिसिन जो लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपको मिसकैरेज बार बार हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, वो रुक पाएगी। तो मैं मेडिसिन का नाम आपको बता देती हूँ। तो जो मेडिसिन का नाम है बाइवर्नम ओपुलस, ये जो मेडिसिन है मदर टिंचर फॉर्म में ही, तो इसको आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा। और इसको कंटिन्यू लेंगे आप तो मॉर्निंग में इसको, ये मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, मॉर्निंग में खाली पेट 10 से 15 बीस बूंद लेना है हल्के गुनगुने पानी में, और नाइट में भी ऐसे खाना खाने के 1 घंटे बाद हल्के गुनगुने पानी में इसको आप कंटिन्यू लें। और एक बात और, जब भी आपको मिसकैरेज हो रहा है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, 2 महीने के अंदर आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो जा रही है, तो उसके लिए ये मेडिसिन है। लेकिन रीज़न क्या है पर्टिकुलर, आपका रीज़न पता चल जाएगा तो आपकी जो मेडिसिन है सही सिलेक्ट की जाएगी, और जिससे क्या होगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुक सकेगी। क्योंकि प्रेगनेंसी बार बार आपकी ख़राब हो रही है तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो लेडीज़ है उसमें ही प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो जेंट्स है उसके जो स्पर्म है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना ट्रीटमेंट है डॉक्टर के एडवाइस से ही लें, सेल्फ ट्रीटमेंट आप ना लें। बाकी अगर आपको जो सिम्टम्स मैंने बताई उससे रिलेटेड आपको मिसकैरेज हो रहा है तो ये मेडिसिन भी काम करेगी, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन आप
लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।